हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान में, इतिहास टॉपिक को देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें पिछले लेक्चर तक हम लोग देख चुके हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में। अब इसमें बात करेंगे हम लोग प्रागैतिहासिक भारत के बारे में। याद रखिए, जितने भी हम लोग सामान्य अध्ययन से संबंधित चैप्टर ख़त्म करते जा रहे हैं, वो सभी सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट में सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसे। भारत भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज का कार्य सर्वप्रथम 1863 में आरंभ हुआ, जहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट वुड्सफोर्ड ने पल्लवरम मद्रास के पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। ठीक है, ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक रॉबर्ट वुड्सफोर्ड ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व के स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया, जिन्हें भारत के इतिहास में पूर्व अध्ययन का संस्थापक का माना जाता है। किन्हें? रॉबर्ट वुड्सफोर्ड को। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान के रूप में 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में वाले एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति न्यूतन काल में प्लाइस्टोसीन एज में हुआ है। अब तक जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की चार अवस्थाओं में चौथी और अंतिम अवस्था दो भाग हैं, अति न्यूतन और अद्यतन होलिसीन। अति न्यूतन 10 साल वर्ष से 10 लाख वर्ष से 10 हजार वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10 हजार वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। ठीक, बात करते हैं पुरापाषाण काल के बारे में। पुरापाषाण काल शिकार एवं खाद्य संग्रह युग भी कहते हैं इसे। भारत में मानव के प्राचीन अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशियेशन काल की परतों से प्राप्त पत्थर के उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 25 लाख ईसा पूर्व बताया गया है। ठीक है, आदिम मानव को धातुओं का ज्ञान नहीं था, उसके पास निश्चित घरों का अभाव था, जानवरों का बल बराबर बना रहता था, खेती करना, आग जलाना और बर्तन बनाने की कला का ज्ञान नहीं था। किन्हें? याद रखिए, आदिम मानव को। विषकार द्वारा जानवरों के मांस और ऐसे फलों एवं सब्जियों कंदमूलों खाद्य संग्रह पर जीवन व्यतीत करते थे जो जंगलों में उपजाते थे। पुरापाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से वर्ग? पूर्व पुरापाषाण युग, यह 25 लाख से 10 हजार 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। मध्य पुरापाषाण काल पाषाण युग, 1 लाख से 40 हजार ईसा पूर्व। फिर उत्तर पुरापाषाण युग, 40 हजार से 10 हजार ईसा पूर्व तक। बात करते हैं पूर्व पुरापाषाण युग के बारे में। पूर्व पुरापाषाण युग, अधिकांश हिमयुग आरंभिक पुरापाषाण युग में ही व्यतीत हुआ है। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी या हस्तकुठार हैंड एक्स, विदारणी क्लीवर तथा गंडासा खंडक का उपयोग। भारत में प्राप्त हुए विस्तर कुल्हाड़ी प्रया पश्चिम एशिया यूरोप अफ्रीका से प्राप्त कुल्हाड़ियों जैसी ही हैं। निम्न पुरापाषाण युग के अधिसंक स्थल सिंधु नदी की सहायक नदी सोहन नदी घाटी के
संप्रति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाए गए। ठीक है, पहली बार सोहन क्षेत्र से संबंधित साक्ष्य मिलने के कारण इसे सोहन संस्कृति की संज्ञा दी गई है। उनके स्थलों की बात करें, अनेक स्थल कश्मीर तथा थार के मरुस्थल डिडवाना क्षेत्र में भी मिले हैं। निम्न पुरापाषाण कालीन हथियार मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी उत्तर प्रदेश एवं भीम बैठका की गुफाएं यह भोपाल मध्य प्रदेश में। फिर मध्य पुरापाषाण युग, इस युग में पिस्तर सलकों से निर्मित विभिन्न प्रकार के फलक वेदनी छेदनी खुरचनी का प्रयोग होता था जो संपूर्ण भारत में पाए गए। इस युग का शिल्प कौशल नर्मदा नदी के किनारे किनारे अनेक स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती स्थानों पर भी पाया गया। फिर उत्तर पुरापाषाण युग, इस युग में आर्द्रता कम हो गई थी और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होते जाने से हिम युग की अंतिम अवस्था आरंभ हो चुकी थी। इस युग में आधुनिक प्रारूप के मानव का आविर्भाव हुआ, होमो सेपियंस। इस युग के पिस्तर फलक और कुल्हाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, आंध्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पूर्व बिहार, वर्तमान झारखंड के पठारी भाग में पाए गए। गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर एक उष्ण पाषाणीय भंडार भी मिला है जिसमें सल्क फलक तक्षड़ियाँ खुरचनियाँ सम्मिलित हैं। फिर आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ठीक है, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक शिकार एवं पशु पालन योग भी बोलते हैं इसे। मध्य पाषाण काल लीन मानव शिकार करके मछली पकड़कर तथा जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भर देते हैं। इससे उनके पिस्तर उपकरण में परिष्कार आया और उनका आकार भी छोटा हो गया। इस मध्यवर्ती काल को उत्तर पाषाण युग या मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल को मध्य पाषाण कालीन स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य व पूर्वी भारत तथा कृष्णा नदी के दक्षिण में बहुतायात से पाए गए। यहाँ पर मानव बस्ती 5000 वर्षों तक रही। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जिनका समय था 5000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाणकालीन महादाह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए मध्य पाषाण काल के। ठीक, फिर आया नवपाषाण युग। नवपाषाण काल अन्न उत्पादक युग भी बोलते हैं। विश्व के संदर्भ में नवपाषाणिक युग न्यूलिथिक एज का आरंभ 9000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, लेकिन बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीन भारतीय बस्ती मिली है संप्रति पाकिस्तान जिसका समय 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। इस युग के लोग पोलिस्तार पाषाण हथियारों का प्रयोग करते थे। वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियाँ प्रयुक्त करते थे जो देश के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाई गईं। नवपाषाण युग के निवासियों को सबसे पहले अन्न उगाने का श्रेय दिया जाता है। अन्न उगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? नवपाषाण युग के निवासियों को। कृषि कार्य की प्रक्रिया में वे पत्थर के कुदालों और नुकीले पाषाण डंडों से जमीन तोड़ते थे। पॉलिशदार पाषाण हथियारों के अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। वे मिट्टी और सरकंडे के निर्मित गोलाकार और आयताकार घरों में निवास करने लगे थे। इस युग में लोग घर बनाकर स्थायी रूप से रहना सीख गए थे। बुर्ज होम कश्मीर चिरान छपरा सारण में पाषाण युगीन लोग पॉलिशदार पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरणों का भी प्रयोग करते थे नवपाषाण काल में। ठीक, बुर्ज होम के लोग धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के
शवों के साथ दफनाए जाते थे बोर्ज होम में। यह प्रथा भारत के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं पाई गई है। ठीक, इस काल के लोग कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे बैल भेड़ बकरी पालते थे। नवपाषाण कालीन युग लोग मेहरगढ़ नवपाषाणीय लोग गेहूं जौ और रुई उपजाते थे, जबकि इलाहाबाद के पास चावल उगाने का प्रमाण मिला है। नवपाषाण कालीन अनेक स्थायी निवासियों को कृषि कार्य के कारण अनाज रखने पकाने और खाने और पीने के लिए बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई। अतः कुंभकारी सर्वप्रथम इसी युग में परिलक्षित होती है। यहाँ आरंभ में हाथ से मृदभांड निर्मित होते थे, बाद में मिट्टी के अधिकांश बर्तन चाक पर बनने लगे। इनमें पॉलिश युक्त काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और मंद वर्ण मृदभांड सम्मिलित हैं। नवपाषाण युगीन शेल्ट कुल्हाड़ियाँ वसूले छेने आदि उपकरण उड़ीसा और छोटा नागपुर झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए गए। कालांतर में मानव को लोहे का ज्ञान हो गया तो उसकी चरम उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। लोहे के फल से युक्त हलों के कारण मैदानी इलाकों में वनों को काटकर खेत बनाना और गहरी जुताई करना संभव हो गया, जिससे अधिशेष उत्पादन होने लगा और नगरीय जीवन का आरंभ हो गया। फिर आते हैं ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग आरंभ हो गया। पत्थर के साथ साथ पहली धातु के रूप में तांबे के उपकरण का प्रयोग होने लगा। तो याद रखना, सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु का प्रयोग किया, तो याद रखना तांबे का। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। ताम्रपाषाण लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। देश के ऐसे भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थीं। भारत में सभ्यता से संबद्ध स्थल हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्व भारत में पाए गए। राजस्थान में आहार और गिलोंड में उत्खनन हुआ जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा कायथा और एडन में उत्खनन हुआ। मालवा से प्राप्त मृदभांडों को ताम्रपाषाणीय मृदभांडों में उत्कृष्ट माना गया है मालवा। ठीक, पश्चिमी महाराष्ट्र के जोरवे निवासा और देमाबाद चंदौली सोनगांव झामगांव प्रकाश और नासिक में विस्तृत उत्खनन किए गए। ये सभी स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। ठीक है, जोरवे अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा फेवरा नदी के वाय तट पर अवस्थित है। इस अवस्था के अनेक स्थल पूर्वी भारत, विंध्य क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी भारत तथा राजस्थान की बनास घाटी के शुष्क क्षेत्रों में पड़ते हैं। आहार संस्कृति का काल है 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, आहार संस्कृति का आगे बात करें। गिलोंड इसका स्थानीय केंद्र है जहाँ तांबे के टुकड़े ही मिलते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग गाय भेड़ बकरी सुअर भैंस पालते थे, हिरण का शिकार करते थे। ताम्रपाषाण युगीन लोग ऊंट के अवशेष भी मिले हैं यहाँ। यह स्पष्ट नहीं होता है कि वे घोड़े से परिचित भी थे या नहीं। ताम्रपाषाण कालीन लोग, ठीक है, वे गेहूँ चावल बाजरा मसूर उदड़ मूंग मटर रागी अलसी तथा कपास उगाते थे। वे मछली पकड़ने के लिए कांटे वांसी का प्रयोग करते थे। वे अपना घर गीली मिट्टी थोपकर बनाते थे। आहार के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। वे तांबे का सिल्क क्रम और पत्थर का कार भी करते थे। वे पत्थरों के मनके या गुटकाएँ भी बनाते थे। वस्त्र निर्माण से भी सुपरिचित थे।
लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। ताम्र पाषाणीय लोग मात देवी की पूजा भी करते थे। ठीक है, अनेक कच्ची मिट्टी की नग्न पुतलियाँ भी पूजी जाती थी ताम्र पाषाण युग में। ठीक है, बस्तियाँ छोटी और बड़ी होती थीं। इस सभ्यता की खुदाई से प्राप्त ताम वस्तुएँ तीर के नोक, वर्छे के फल, वंशियाँ, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि मिले हैं। यहाँ गैरिक मिधभान ओसीपी भी पाया गया। यह एक लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर मिधभांड है जो काले रंग से रंगा होता है और फया कलश के आकार में होता है। तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्रपाषाणीय वस्तुओं की अनेक श्रृंखलाएं हैं। कुछ प्राक हड़प्पीय हैं, कुछ हड़प्पाकालीन है और कुछ हड़प्पत्तर हैं। राजस्थान का कालीबंगा, हरियाणा का बनवाली, प्राक हड़प्पाकालीन ताम्रपाषाणीय का अवस्था है। याद रखें कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, और बनवाली हरियाणा में। ठीक, कोटदीची और कायथा की संस्कृति हड़प्पाकालीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और वे नगरों की स्थापना में सफल हुए। ताम्रपाषाणीय संस्कृतियाँ 1200 ईसा पूर्व तक बनी रहीं। इसके लुप्त होने का कारण है 1200 ईसा पूर्व के बाद से वर्षा की मात्रा में कमी का आना, जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगलों जंगल वाले इलाकों को छोड़कर या समूचे देश में ताम्रपाषाणीय संस्कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। इस युग में लोगों ने पहाड़ियों से कम दूरी पर तथा नदी तटों पर घर बनाए। वे लघु पाषाण उपकरणों के साथ तांबे के उपकरण भी प्रयोग करते थे। वे चाकों पर बने काले लाल मृद भांडों का भी प्रयोग करते थे। उनके प्राग कांस अवस्था से लगता है कि उन्होंने सर्वप्रथम चित्तित मृदभांडों का प्रयोग किया। वे पकाने, खाने, पीने और सामान रखने के लिए इन मृदभांडों का प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे देखें, लोटा और थाली दोनों उनके द्वारा उपयुक्त होता था। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन युग में, ताम्रपाषाण काल में पशुपालन, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, हिरण, ऊँट थे। कायथा मालवा, एरन मध्य भारत, उनकी सबसे पुरानी बस्तियां हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम बड़े बड़े गांव बसाए। ताम्रपाषाणीय लोग पशुपालन का सदुपयोग नहीं कर सके, वे विस्तृत कृषि भी ना कर सके। हल और फावड़ा ना होने से वे केवल झूम खेती कर पाते थे। कांसे के उपकरणों के प्रयोग से कीट, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी भी प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास में सहायता मिली। ताम्रपाषाणीय लोग सीखने की कला नहीं जानते थे, ना ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांसीगुइन लोग नगरवासी हो गए थे। ताम्रपाषाणीय गैरिक मिधभांड वाले लोग हड़प्पा का वासियों के सामरिक थे। वे जिस क्षेत्र में रहते थे वह भी हड़प्पाइयों के क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था। नवदा टोली मध्य प्रदेश में का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणीय पुरास्थल है जो इंदौर के निकट स्थित है। यहाँ से मिट्टी, बांस, फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मिधभांड लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्यामितीय अरिरत उत्कीर्ण है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रागैतिहासिक काल। आगे बात करेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक,